मैंने सुना आपको पैसों की जरूरत है, तो सोचा आपकी हेल्प कर दूं। और आप तो जानती है ना कि हानिया की देखभाल यहाँ अच्छे से होगी। आहू जी, आसमा मेहर सरब सब हानिया के खिलाफ है और यहाँ पर हानिया पर लग चुका है बड़ा इल्जाम। यहाँ भाई मुन्नी ने बोल दिया है कि ये तो शक्ति के साथ मिली हुई थी, पैसे वगैरह भी लिए इसने, मैंने समझाया भी लेकिन मुझे पर ही इसने अटैक कर दिया। और देखो मेरे तो जो जहाँ है उसे वहाँ पहुँचा दीजिए। हानिया को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए और मुझे अंदर ले लीजिए। जी मैं सारा कुछ समझ गई, हानिया घर के बाहर हो गई। अब भाई एक्चुअल तो पता ही है ना हमको क्या हुआ था। यहाँ पर मुन्नी को उसने पकड़ लिया था हानिया ने, और मुन्नी ने सच भी कबूल लिया था कि हाँ मैंने ही सब किया है। शक्ति भी आ जाता है, शक्ति और मुन्नी मिलके सब सच भी बता देते हैं और उस पर अटैक भी करते हैं हानिया पर। अच्छा जी चलिए, एक मिनट, अभी आपको और मेरा हिसाब तो बाकी है, वो बराबर करना भी तो जरूरी है। लेकिन हानिया अपना बीच बचाव करने के चक्कर में ना पहले तो शक्ति को मारती है और फिर मुन्नी के लगा देती है। लेकिन यहाँ पर तो मुन्नी कुछ और ही झूठ बोल रही है कि हानिया ने उसको इसलिए मारा है क्योंकि भाई वो यहाँ पर उसको बोल रही थी कि तुम सब कुछ घर पे जाके सच बता दो। तेरा दिमाग खराब है, तुझे क्या लगता है कि तेरी इस बदतमीजी के बाद मैं तेरा साथ दूंगी। अब जो घर वाले हैं सारे मुन्नी का विश्वास कर रहे हैं। यहाँ पर सरब तो बहुत गुस्सा कर रहा है, मेहर भी कह रही है तुम मेरी बहन कहलाने लायक नहीं हो। यहाँ पर आसमा ने तो बहुत कुछ कह दिया है, आलिया से कंपेयर कर दिया हानिया को और बोल दिया कि आलिया ने भी इसी तरीके की हरकत की थी मेरे को और अरमान को अलग करने के लिए। बिल्कुल सही समझा जी, मैं पूरा साथ दूंगी, आप और पानी फेंक दो मेरे ऊपर और क्या। पर मैडम जी उसने तो मेरी जान लेने की भी कोशिश की थी और तुमने भी यही किया है। तुम अपनी बहन के इतने पीछे पड़ गई कि तुमने उसके प्यार को ही छीन लिया, उसकी जान लेने की भी कोशिश की, किडनैप भी करा, तो अब तुम भाई इस घर में नहीं रह सकती हो। और यहीं पर जो मेहर है ना वो अगर इसमें कुछ भीग गया होगा ना उसे बदल देना बस। ठीक है जी जाती हूँ। मेहर उसको घर से बाहर निकाल देती है यहाँ पर। और हानिया भाई घर के बाहर खड़े होके बहुत बोल रही है, सॉरी बोल रही है, यहाँ पर माफी मांग रही है और बोल रही है कि भाई मेहर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हानिया को निकालना है ना आपकी एंट्री के लिए। थैंक यू। लेकिन कोई भी सुनने को कुछ तैयार नहीं है और यहाँ पर सब लोगों ने मुन्नी का विश्वास कर लिया है। तो देखते हैं अब हानिया क्या करती है और हानिया का साथ कौन देता है, क्योंकि भाई अभी तो सब लोग खिलाफ हैं उसके। कोई भी घर वालों में से ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे रहा हो सिवाय उसके एक दोस्त के। वो दोस्त थी ना जो पहुंच गई थी वहां पर उसको बचाने के लिए शक्ति और मुन्नी से, और इसी वजह से शायद वो बच के आ गई थी। लेकिन यहाँ पर अब उसका साथ कौन देगा और किस तरीके से वो प्रूफ करेगी यहाँ पर, और मुन्नी का शक्ति का सच किस तरीके से लेकर आएगी, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।